हेलो बच्चों नमस्कार आज का अपना टॉपिक है कैरेक्टर्स एरे एंड स्ट्रिंग है ना अपन सी लैंग्वेज में कैरेक्टर्स एरे और स्ट्रिंग को कैसे डील करें स्ट्रिंग्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट होगा चाहे आप पाइथन पढ़ो चाहे जावा पढ़ो चाहे सी प्लस प्लस पढ़ो स्ट्रिंग्स को अपन सभी लैंग्वेज में डील करेंगे कैसे हैंडल करें तो अपन आज का टॉपिक सी लैंग्वेज को लेके कवर करेंगे जिसके अंतर्गत तो अपना मेन जो टॉपिक्स है स्ट्रिंग की डेफिनेशन स्ट्रिंग क्या है कॉमन ऑपरेशन कर सकते हैं क्या क्या ऑपरेशन है कर सकते हैं है ना रीडिंग स्ट्रिंग को अपन कैसे पढ़ सकते हैं कितने कितने अपने पास फैसिलिटीज है स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए कौन कौन से मेथड को अपन यूज करेंगे तो इन सब टॉपिक को आज की क्लास में अपन कवर करेंगे तो सबसे पहले अपन स्ट्रिंग की डेफिनेशन को क्लियर करेंगे कि स्ट्रिंग होती क्या है तो इससे पहले अपन ने स्ट्रिंग्स को पढ़ने से पहले आप है ना करेक्टर्स के बारे में सब जानते हो तो करेक्टर्स क्या है तो करेक्टर्स एक इंडिविजुअल कोई भी लेटर्स हो सकता है डिजिट हो सकता है कोई भी आपका है ना सिंबल्स हो सकता है तो करेक्टर्स का मतलब होता है एक सिंगल सिंगल मतलब कोई भी आपकी है ना कीज हो सकती है सिंगल करेक्टर जिसमें आपका अल्फ़ाबेट हो सकता है अल्फ़ाबेट हो सकता है डिजिट्स हो सकता है है ना ऐसे आपका सिंबल्स हो सकता है तो अगर अपन कोई भी अल्फ़ाबेट को सिंगल को कोर्स में रेफ़र कर दे, जैसे ये मेरे पास कोई भी ये अल्फ़ाबेट है या ना जैसे मैं डिजिटल सिंगल कोर्स में रेफर कर दूँ कोई भी मैं सिंबल्स को सिंगल कोर्स में रेफर कर दूँ तो ये सब करेक्टर्स कहलाते हैं मतलब कोई भी कीबोर्ड की एक सिंगल की वो आपका एक करेक्टर्स होगा कि कोई भी अपन कीबोर्ड से कोई भी की को प्रेस करे तो वो आपका एक सिंगल करेक्टर होगा और करेक्टर्स से आपकी स्ट्रिंग बनेगी सिंपल सी थ्योरी है स्ट्रिंग्स जो बनती है वन और मोर करेक्टर्स का ग्रुप कह सकते हो आप ग्रुप में अपन एक करेक्टर्स को भी ले सकते हैं ग्रुप के अंदर दो करेक्टर्स को भी ले सकते हैं मल्टीपल करेक्टर्स को भी अपन अलाउ कर सकते हैं ग्रुप के अंदर अपन डिजिट्स को भी अलाउ कर सकते हैं सिंबल्स को भी अलाउ कर सकते हैं तो करेक्टर्स से ही स्ट्रिंग बनेगी कैरेक्टर्स की एक आपकी एक है ना एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है और स्ट्रिंग की कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती करेक्टर कॉन्स्टेंट मेमोरी में एक सिंगल बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है स्ट्रिंग आपकी एटलीस्ट अपन सिंगल करेक्टर्स को भी अगर मेमोरी में स्टोर करें तो एटलीस्ट टू बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है तो करेक्टर्स से ही स्ट्रिंग बनेगी ये ध्यान देने का पॉइंट है तो अपन को करेक्टर से कंपोज करके स्ट्रिंग बनाएंगे तो स्ट्रिंग क्या है सिक्वेंस ऑफ करेक्टर्स करेक्टर्स का एक पूरा सिक्वेंस है जैसे अपन ने जयपुर वर्ड लिया तो आप देख रहे हो ना कि जयपुर वर्ड के अंदर आपका ये जे ए आई पी यू आर तो ये आपके ना सिक्स करेक्टर का पूरा ग्रुप हो गया तो अगर इसको मैं डबल कोट्स में रेफर कर दूं तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा तो ये स्ट्रिंग क्या है स ऑफ करेक्टर्स और एरे ऑफ करेक्टर्स कह सकते हो एरे किसको बोले एरे का मतलब हो गया. Similar data का group, जैसे integer data का collection, float data का का जैसे जैसे है ना आपका पूरा तो करेक्टर का जो कलेक्शन होगा वो आपका स्ट्रिंग कहलाएगा तो स्ट्रिंग की सिंपल सी डेफिनेशन है स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ वन और मोर करेक्टर्स और उसको अपन डबल कोर्स में स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट को रेफर करते हैं

जैसे जयपुर एक स्ट्रिंग है है ना वन टू थ्री इंडिया है ना अपन ने डबल कोर्स में डिजिट्स को कोमा को इंडिया को डबल कोर्स में रेफर कर दिया तो ये भी स्ट्रिंग है एनकेजीडेमी डॉट कॉम ये भी स्ट्रिंग हो गई तो यानी कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग की सिंपल सी जो अपन बोलेंगे ना टेक्स्ट मैसेज होते हैं अपन प्रिंट में लिखते हैं डबल कोर्स के साथ लिखते हैं तो डबल कोर्स में जो भी तुम लिखोगे वो स्ट्रिंग ही कहलाएगी ध्यान देने का पॉइंट है तो स्ट्रिंग अपन स्ट्रिंग इज ट्रीटेड सिंगल डेटा आइटम स्ट्रिंग को ए अपन सिंगल डेटा आइटम की तरह ट्रीट करते हैं कि आपका जो जैसे जयपुर है तो ये मल्टीपल कैरेक्टर से कंपोज हुआ तो जयपुर आपका एक सिंगल डेटा आइटम हो गया तो वो स्ट्रिंग कर लाएगा कोई भी टेक्स्ट मैसेज होगा तो एक सिंगल आइटम होगा डबल कोर्ट्स में रेफर करते हैं, वो सिंगल आइटम बन जाएगा तो उसको अपन स्ट्रिंग कह सकते हैं स्ट्रिंग को जब अपन एंड करते हैं तो ये टर्मिनेटेड बाई नल कैरेक्टर ये स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड विद स्पेशल कैरेक्टर उसको नल कैरेक्टर बोल लेंगे जैसे अपन कोई भी स्ट्रिंग बनाओ मैंने मान लो एक्स वाई जेड स्ट्रिंग बनाई तो इसको अपन जब देखेंगे ना इसका मेमोरी एलोकेशन एक्स वाई जेड ए तो तीन करेक्टर हो गया इसके साथ में नल करेक्टर होगा ये एक वाइट स्पेसेज करेक्टर में आता है ये अपन को दिखेगा नहीं हिडन करेक्टर होता है इसकी आज के कोड की वैल्यू जीरो होती है तो स्ट्रिंग का जो एंड होता है वो नल करेक्टर से होता है ध्यान देने का पॉइंट है स्ट्रिंग के साथ ये नल करेक्टर की थ्योरी चलती है जैसे मैं आपसे कहूँ सेंटेंस का एंड करो तो सेंटेंस का एंड करेंगे तो फुल स्टॉप लगा देंगे जैसे हिंदी में अपन कह देंगे वाक्य खत्म कर दो तो अपन पूर्ण विराम लगा देंगे तो मैं कहूँगी स्ट्रिंग का एंड कर दो स्ट्रिंग का एंड को चेक कर लो तो नल करेक्टर होगा नल कैरेक्टर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है व्हाइट स्पेस एज में आता है व्हाइट स्पेस एज में हिडन करेक्टर्स होते हैं जो अपन को दिखते नहीं है तो नल करेक्टर एंड ऑफ स्ट्रिंग है ध्यान देने का पॉइंट है ऑटोमेटिकली लगता है एक ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया जो लास्ट में स्ट्रिंग में अपने आप जुड़ जाएगा अपन नहीं लगाएंगे जैसे स्ट्रिंग को टर्मिनेट करेंगे ऑटोमेटिकली जुड़ेगा तो नल कैरेक्टर है ना एक स्ट्रिंग के साथ में अटैच होगा जैसे अपन ने ये स्ट्रिंग को जैसे एक जयपुर है अब ये कितने कैरेक्टर से बनी है ये छह करेक्टर से बनी है तो ये सिक्स कैरेक्टर से कंसिस्ट है ये सिक्स कैरेक्टर है टोटल अब सिक्स रेक्टर में आप देखोगे तो जे ए हो गया ए करेक्टर ए हो गया आई हो 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 गया 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 पी आर हो गया आगा, आगा। तो ये नल करेक्टर लास्ट में होगा ऑटोमेटिकली लगेगा हिडन होगा दिखेगा नहीं अपन को तो ओनली जयपुर ही नजर आएगा ये एक स्पेशल करेक्टर है ऑटोमेटिकली सप्लाई होता है तो जयपुर को जब मैं स्टोर करूंगा तो सेवन बाइट का स्टोरेज होगा टोटल इसकी जो साइज होगी तो आप समझ गए होगे ना सिक्स प्लस एक ये नल करेक्टर की होनी चाहिए अगर ये साइज नहीं है तो फिर ये गार्बेज वैल्यू को डिस्प्ले करेगा फिर वो प्रॉपर स्ट्रिंग नहीं होगी तो यानी कि ध्यान देने का पॉइंट है नल करेक्टर एंड ऑफ स्ट्रिंग होता है ऑटोमेटिकली लगता है तो स्ट्रिंग को जब भी डिफाइन करो तो नल करेक्टर्स का कंसेप्ट इसके साथ जोड़ सकते हो सी लैंग्वेज में तो ये तो आपकी स्ट्रिंग की डेफिनेशन हो गई इसमें सिंपल से एक लाइन में एरे ऑफ करेक्टर्स है स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड विद स्पेशल करेक्टर जिसको अपन नल करेक्टर बोल लेंगे बेक्सलेस जीरो बेक्सलेस जीरो से याद रखोगे फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कॉमन ऑपरेशन

स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा दो तो राइट करना रीड करना रीड करने के लिए डेटा काफ़ी स्टोर होगा मेमोरी में होगा तो रीड करेंगे तो सिंपल सी थ्योरी है कि पहले डिक्लेरेशन करो कि मेमोरी पहले एलोकेट होगी वेरिएबल क्रिएट होगा और फिर देन उसके बाद में रीड होगी रीड होने के बाद में वैल्यू उसमें मेमोरी अपन कीबोर्ड के थ्रू लेके मेमोरी में ट्रांसफर करेंगे देन फिर राइट करेंगे तो रीड करना एंड राइट करना सिंपल सा है ना ये इंपॉर्टेंट मतलब पोर्सन है स्ट्रिंग का ऑपरेशन का फिर दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना जोड़ना कि दो स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग को अंत में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ दो तो कौन कैटेनेट कर दो है ना ये जोड़ना एक स्ट्रिंग डेटा को दूसरी स्ट्रिंग वेरिएबल में कॉपी कर दो जैसे मान लो कि तुम्हारा नाम एक्स वाई जेड है अब मैं कहता हूँ तुम्हारे नाम को है ना ये नेम टू में कॉपी करो तो डायरेक्ट तो होगा नहीं तो अपन फंक्शन के थ्रू फिर कॉपी करने की थ्योरी भी आ सकती है दो स्ट्रिंग की वैल्यू को कंपेरिजन करें करेक्टर बाई करेक्टर अगर स्ट्रिंग आइडेंटिकल है या सिमिलर है या नहीं है तो कंपेरिजन करके अपन रिजल्ट ले सकते हैं फिर एक्स्ट्रेक्टिंग स्ट्रिंग का कोई पर्टिकुलर पोर्सन को ब्रेक करें ये मैं कहता हूँ कि कोई भी स्ट्रिंग है जैसे राजस्थान वर्ड है तो बिगिनिंग के थ्री करेक्टर्स ब्रेक कर दो बीच में से ब्रेक कर दो लास्ट में से ब्रेक कर दो तो स्ट्रिंग में जब अपन काम करेंगे तो काम करेंगे तो बेसिक ऑपरेशन होंगे तो ये आपका रीडिंग एंड राइटिंग कंबाइंड स्ट्रिंग टूगेदर कोपिंग वन स्ट्रिंग टू अनादर कम्पेरिंग कंपेयरिंग स्ट्रिंग फॉर इक्विलिटी एक्सट्रेक्टिंग ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रिंग एक्सट्रैक्टिंग पर्टिकुलर पोर्शन को ब्रेक करना तो ये पूरे ऑपरेशन अपन प्रोग्रामिंग के थ्रू सी लैंग्वेज में देखेंगे अब अपना नेक्स्ट आएगा कि स्ट्रिंग समझ में आ गई सिंगल कैरेक्टर का अपन को समझ में आ गया स्ट्रिंग मल्टीपल कैरेक्टर से स्ट्रिंग बनेगी टेक्स मैसेज होते हैं पूरे स्ट्रिंग होते हैं अब स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन कैसे करें कि मेमोरी में जब स्ट्रिंग को यूज करेंगे तो डिकलेरेशन करना जरूरी होगा फिर डिक्लेरेशन के बाद में होता है कि उसमें वैल्यू कैसे आए तो इनिशियलाइजिंग इनिशियलाइजिंग का मतलब होता है शुरू की वैल्यू स्ट्रिंग में डिफाइन करना तो अब सबसे पहला ना स्ट्रिंग को डिक्लेरेशन करेंगे तो अपने सामने की अपन स्ट्रिंग किस तरह का डेटा है करेक्टर बेस्ड डेटा है तो स्ट्रिंग टाइप का कोई डेटा टाइप होता नहीं है तो स्ट्रिंग को जब भी डिक्लेरेशन करेंगे तो आपको है ना एक ये डेटा टाइप करेक्टर डेटा की हेल्प लेनी पड़ेगी ये करेक्टर डेटा की हेल्प लेनी पड़ेगी सी एच ए आर

इट ऑलवेज डर एज इन एरे ऑफ करेक्टर्स करेक्टर्स की एरे बनाएंगे जनरल फॉर्म हो गया कि करेक्टर आपका डेटा टाइप हो गया फिर ये स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया और ये साइज होगी साइज को स्क्वायर ब्रेकेट में दोगे सेमी दोगे, कोलोन लगाओगे जरूरी है है ना साइज आपकी जो हो सकती है एक तो हो सकता है कि अपन डायरेक्ट यहां वेल्यू ले, ले. ये कितने साइज की स्ट्रिंग होगी लेंगे देनी पड़ेगी जैसे आप एक करेक्टर भी करोगे तो एटलीस्ट तो दो लेंथ दो तो साइज डिफाइन करनी पड़ेगी एक नल करेक्टर की जैसे तुम्हारा नाम आ लो ट्वेंटी करेक्टर का एग्जेक्ट अब तुम्हारा नाम मेमोरी में स्टोर करना चाह रहे हो तो ट्वेंटी करेक्टर कैसे मेमोरी में स्टोर करें तो ट्वेंटी वन करेक्टर की साइज दे सकते हैं तो साइज देने के लिए अपने पास दो मेथड्स हो सकते हैं एक तो अपन डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू ले सकता हूँ एक कॉन्स्टेंट लेके और फिर यहाँ कॉन्स्टेंट का नाम भी ले सकता हूँ इंटीजर कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे साइज जो होगी वो नल करेक्टर की अपन को एक्स्ट्रा साइज रखनी पड़ेगी टोटल अपनी साइजी करेक्टर्स की है लाइन की तो एट्टी वन करेक्टर्स अपन टोटल साइज लेके चलेंगे ध्यान देने का पॉइंट है तो अब स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन कैसे करें तो आप देखोगे द साइज डिटरमाइंस द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आपने जैसे ये बना दी करेक्टर डेटा यह स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया और यह ट्वेंटी करेक्टर्स इसकी साइज होगी ट्वेंटी बाइट का मेमोरी ए लोकेशन हो जाएगा इसका टोटल जो मेमोरी ऑक्यूपाई होगी ट्वेंटी बाइट की होगी जैसे जैसे अपन ने नेम है ट्वेंटी फाइव करेक्टर्स का एक ये वेरिएबल क्रिएट कर दिया इसमें ट्वेंटी फाइव करेक्टर्स तक की लिमिट हो सकती है है ना एट लिस्ट वन करेक्टर्स तो आ ही सकता है वन के साथ में नल करेक्टर तो आएगा ही ऐसे अपन डिफाइन करके पहले कॉन्सटेंट बना दे ये कॉन्स्टेंट का डिक्लेरेशन है तो हेज ये हेज डिफाइन क्या है ये प्री प्रोसेसर है तो अब तुम कहोगे ये कहाँ से ले आए है तो प्री प्रोसेसर डिफाइन के थ्रू कॉन्सटेंट के लिए होता है हैज डिफाइन क्या काम करेगा तो ये एक प्री प्रोसेसर है कॉन्स्टेंट वैल्यू बनाने के लिए है ना कोई मेक्रोज को डिफाइन करने के लिए हेज डिफाइन अपन प्री प्रोसेसर की हेल्प लेते हैं तो कॉन्सटेंट का नाम होगा इक्वल नहीं आएगा थर्टी इसकी साइज हो जाएगी तो साइज एक इंटीजर कॉन्सटेंट हो गया है ना ये आपका इंटीजर कॉन्सटेंट हो गया कैसे पता चला कि थर्टी इंटीजर वैल्यू है ये इंटेजर कॉन्स्टेंट कहलाएगा अब साइज को लेके मैं यहाँ इंटीजर कॉन्स्टेंट यूज कर सकता हूँ तो यहाँ पे एड्रेस है साइज थर्टी साइज का इसकी लेंथ हो जाएगी मतलब अब अपन जब भी स्ट्रिंग करेक्टर ये करेक्टर की इसमें सप्लाई देंगे स्ट्रिंग इसमें असाइन करेंगे या की से लेके आएंगे तो ये नल करेक्टर ऑटोमेटिकली इसमें असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली एड हो जाता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग तो अपन को एक साइज का ध्यान रखना पड़ेगा रखना पड़ेगा कि एक प्लस करके चलेंगे अपन तो तो ये तो स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन हो गया कोई भी मैं कि एक लाइन पढ़ो तो तुमको फिर लाइन पढ़ने के लिए ऐसे करना पड़ेगा एक करेक्टर लाइन अब कहता है कि कितने लाइन की में कितने करेक्टर पढ़ने हैं एट्टी एट्टी करेक्टर पढ़ने हैं तो एट्टी वन है ना प्लस नल करेक्टर के लिए कोई भी पैराग्राफ पढ़ो तो पैराग्राफ के लिए क्या करोगे तो ऐसे लंबा पैराग्राफ पढ़ना हो मल्टीपल लाइन रखनी हो तो मैंने कह दिया कि पांच हजार तो मैंने ये साइज दे दी पाँच हजार की तो ये पाँच हज़ार करेक्टर से सब कुछ ले लेगा एंटर भी ले लेगा ले ले है ना स्पेस भी ले लेगा ले तो ये अपन को है ना करेक्टर्स से कंपोज करते करते अपन लाइन बनाएंगे लाइन को अपन यहाँ स्टोर करते हुए चलेंगे तो ये पैराग्राफ को स्टोर करना हो साइज बढ़ा भी सकते अपन तो ये डिक्लेरेशन अपन को आ जाना चाहिए तो अब आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हो गया कि स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन करेक्टर्स डेटा के थ्रू करेंगे डेटा टाइप के थ्रू करेंगे स्ट्रिंग के डिक्लेरेशन में अपन साइज एलोकेट करेंगे एरे ऑफ करेक्टर्स होते हैं तो साइज देंगे साइज अगर नहीं देंगे तो सिंगल करेक्टर्स का डिक्लेरेशन कर लाएगा तो साइज में अपन क्या करेंगे एक नल करेक्टर के लिए एक्स्ट्रा साइज अपन लेके चलते हैं ध्यान देने का पॉइंट है तो अगर ट्वेंटी करेक्टर का स्टोरेज है तो अपन को ट्वेंटी वन करेक्टर्स की लेंथ लेनी पड़ेगी नल करेक्टर्स क्या होता है स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली सप्लाई जब टर्मिनेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कंपाइलर अपने आप असाइन कर लेता है इसको अब स्ट्रिंग इस का इनिशियलाइजेशन कैसे करें तो इनिशियलाइजेशन का मान होता है कि शुरू की वैल्यू स्ट्रिंग में असाइन करना कि कोई भी जैसे जयपुर वर्ड है राजस्थान है ना यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है मैं कहूँगी इसको मेमोरी में स्टोर करके दिखाओ तो जयपुर को मेमोरी में स्टोरेज कैसे करोगे तो तुम देखोगे जयपुर सिक्स करेक्टर है तो एक नल करेक्टर का है तो अपने साइज या फिक्स कर दिया पे तो पहले डिक्लेरेशन किया फिर इक्वल करके या डबल कोर्स में अपन डायरेक्ट है ना इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं और अपन चाहें कि ऐसे नहीं दूसरा तरीका बताओ तो आपका यह पहला मेथड हो गया અને پھر યે બીજો તરીકા મે આપ યે સાઇઝ એલોકેટ કર દો એક એક કરેક્ટર્સ કો ડિફાઇન કર દો જેર આપ સિંગલ કરેક્ટર કેસે کرو گے ડબલ કોટ્સ મે ફિર એક કો ડબલ કોટ્સ મે એચ કરેક્ટર કો સેપરેટેડ બાય કોમા ઓર લાસ્ટ મે નલ કરેક્ટર કો અસાઇન કરે તો યે કરેક્ટર બાય કરેક્ટર એરે મે લે લેગા કરેક્ટર બાય કરેક્ટર હો જાયેગા યહાં પે ડબલ કોટ્સ મે ડાયરેક્ટ હે નહી યે અસાઇન કરે જગા ઓર એસે ભી હો સકતા હે કે અપને આયા સાઇઝ અલાઉ નહી કરે ये जितने भी है ना डे करेक्टर्स होंगे अपने आप ऑटोमेटिकली साइज एडजस्ट कर ले अब यहाँ मान लो कि अपन को एग्जैक्ट साइज का पता नहीं है तो अपन डायरेक्ट ऐसे साइज विद, विदाउट लेंथ है ना डबल कोर्स यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में अपन अलाउ कर देंगे यहाँ पे डिक्लेरेशन में तो यहाँ साइज को अपन ने इग्नोर कर दिया लेंथ को और स्क्वायर ब्रैकेट अलाउ कर दिया स्ट्रिंग मतलब एरे टाइप का बना दिया इसको तो और ये अपन ने वन बाय वन या इसमें असाइन कर दी स्ट्रिंग को ईच करेक्टर तो ये ऑटोमेटिकली साइज अलाउ कर लेगा जितने भी साइज होगा ना ऑटोमेटिकली ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें किए इसने है ना ऐसे अपन जैसे मान लो जयपुर है ये लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है तो लास्ट में एंड तक नल को स्टोर करके चलेगा तो ये भी ध्यान देने का पॉइंट है अगर साइज कम हो जाती है तो इीगल डिक्लेरेशन कहलाएगा वो कंपाइलर टाइम एरर आएगी फिर उस केस में या साइज लेस हो रही है क्टर ज्यादा हो रहा है ये भी ध्यान देने का पॉइंट है अब नल करेक्टर क्या है वाट इज नल करेक्टर तो नल करेक्टर क्या है एक स्पेशल है तो ये रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट्स करेगा एंड ऑफ स्ट्रिंग का ये एक तरह से मार्कर है इसको एंड नल करेक्टर बोलेंगे तो नल करेक्टर का ना एंड ऑफ स्ट्रिंग की एक आइडेंटिफाई करना हो तो नल कैरेक्टर को ही चेक करेंगे अपन स्ट्रिंग की लेंथ क्या है तो आप बिगिनिंग से चलते चलते नल कैरेक्टर तक चलोगे तो अपन को न, character counting है ना पूरे कैरेक्टर की काउंटिंग हो जाएगी नल कैरेक्टर आते हैं अपन अपना प्रोसेस को एंड कर देंगे अब नेक्स्ट अपन देखें स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन करते हैं फिर अपन इनिशियलाइजेशन करते हैं तो मेमोरी में कैसे इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन होता है अब आपको है ना ये क्लियर हो गया स्ट्रिंग का जो डिक्लेरेशन करेंगे वो करेक्टर डेटा की हेल्प लेंगे नंबर वन अब ये भी क्लियर हो गया कि जब अपन स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन करेंगे तो एरे ऑफ करेक्टर्स यानी करेक्टर्स की एरे बनाएंगे तो एरे बनाने की थ्योरी अपन पहले पढ़ चुके सिंगल डायमेंशनल एरे डबल डायमेंशनल एरे तो सिंगल डायमेंशनल एरे में अपन करेक्टर्स को एक कंटीन्यूस स्टोरेज में रखेंगे सिक्वेंसल रखेंगे तो एक ही इंडेक्स वेरिएबल से अपन इसको डील करेंगे सिंगल इंडेक्स अपन सिंगल डायमेंशनल एरे को डील करते हैं तो अपन है ना सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो यह एरे का डिक्लेरेशन हो गया और ये एरे के न, न, string, string तो है ना ये कंटेंट्स हो गए है ना ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गई ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग हो गई तो ये एन के जी एकेडेमी है ये पूरा इसमें असाइन हो जाएगा इसके कितने कैरेक्टर्स है ऑटोमेटिकली ये हम ना अपने आप इसमें एडजस्ट कर लेगा अब ये कैसे एडजस्ट करेगा मेमोरी देखें तो एरे में जो होता है आपको यह पता है कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है यानी सीरियल वे में लीनियर वे में पहले पहला आपका जैसे एक कंटिग्यूस होगा पहला डेटा दूसरा तीसरा एंड सोम तो एक लीनियर एलोकेशन होगा स्टैटिक एलोकेशन होगा कंटिग्यूस एलोकेशन होगा फिक्स्ड साइज एलोकेशन होगा तो ये मेमोरी कैसे होती है तो ये आपके एरे बनेंगे तो एक तो नाम हो गया और ये जो मल्टीपल बॉक्स है जैसे एन के जी जितने भी ये कैरेक्टर्स है एक नल कैरेक्टर उतने बॉक्स बनाएगा तो एक बॉक्स में एक बाइट का एक बॉक्स होगा तो ये ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर उसमें आ जाएंगे और ये जीरो वन टू थ्री फ्री इंडेक्स हो जाएगा और फिर जब ये एरे क्रिएट करते हैं तो कंटिन्यूस होता है मेमोरी एलोकेशन हो गया तो वन बाइट का यहाँ पे एड्रेस जो होगा वन एड्रेस का यहाँ पे डिफरेंस होगा एड्रेस एक मेमोरी लोकेशन या रेफरेंस नंबर होता है है ना कि मेमोरी क्या होता है छो, छोटे छोटे ब्लॉक से मिलके बनती है

है ना ये वन कंटिन्यूस चलेंगे तो ये मेमोरी का एक डायग्राम बता सकते तो 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 हो आप तो टोटल साइज होगी इसकी इलेवन बाइट इसमें एक एक बाइट आपकी नल कैरेक्टर की इंक्लूडेड है है ना तो ग्यारह ब्लॉक क्रिएट होगा कंटिन्यूएस होगा इन टू मेमोरी एंड ईच ब्लॉक साइज वन करेक्टर का होगा ईच बॉक्स स्टोर वन करेक्टर्स अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि एरे का स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन आ गया मेमोरी कैसे क्रिएट होती है वो समझ में आ गया करेक्टर डेटा के थ्रू एरिए का डिक्लेरेशन करते हैं साइज एलोकेट करते हैं अब अपन है ना मेमो वेरिएबल्स में स्ट्रिंग वैल्यू कैसे पास करें कि कीबोर्ड से टाइप करोगे मेमोरी में स्टोर होगा डेटा तो स्टोर है ना वेरिएबल्स स्ट्रिंग वेरिएबल में जाएगी वैल्यू तो कैसे जाएगी तो कीबोर्ड से कैसे पढ़ पाएंगे अब पढ़ने के लिए कुछ न कुछ मेथड होना चाहिए तो मेथड होगा तो अपन ने है ना इनपुट कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस पढ़े तो अपने पास है ना कंसोल कोई पूछे कंसोल इनपुट कौन कौन से होते हैं तो आपको है ना ये नॉलेज हो जाना चाहिए कंसोल इनपुट फंक्शंस ये कंसोल का मतलब होता है कि कीबोर्ड या मॉनिटर तो अपन यहाँ पे इनपुट डिवाइस कीबोर्ड लेके चलेंगे तो अपन एक एक तो फॉर्मेटेड होते हैं इसमें है ना एक तो होता है कि फॉर्मेटेड और एक होता है कंसोल इनपुट में है ना अनफॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड तो फॉर्मेटेड में एक प्रॉपर अपन बेस्ट वे में रिजल्ट्स को प्रेजेंट करे साइज वाइज को एलोकेट करे स्पेस अलाउ करे तो वो फॉर्मेटेड है तो फॉर्मेटेड में एक सिंगल फंक्शंस आएगा स्केनफ याद हो गया होगा स्केन है ना और अनफॉर्मेटेड में जैसे गेट एस इसके थ्रू स्ट्रिंग पढ़ सकते अपन गेट करेक्टर ये इनपुट है ये गेट एस क्या है, है।, है इनपुट है गेट करेक्टर क्या है इनपुट है अनफॉर्मेटेड फंक्शन है इनपुट है कंसोल इनपुट फंक्शंस है स्केन एफ क्या है फॉर्मेटेड है ना कंसोल इनपुट फंक्शन है तो स्ट्रिंग को अपन कैसे पढ़ सकते हैं स्केन एफ फंक्शन के द्वारा स्ट्रिंग को अपन रीड कर सकते हैं स्ट्रिंग को स्केन एफ के द्वारा रीड करेंगे तो ये फॉर्मेटेड है अब फॉर्मेटेड स्पेसिफायर कौन सा होगा परसेंट एस ध्यान देने का पॉइंट है कि जब भी इसकेन एफ के थ्रू स्ट्रिंग को पढ़ोगे तो परसेंट एस ये कंट्रोल करेक्टर्स या फॉर्मेटेड स्पेसिफायर का अपन यूज करेंगे परसेंट एस है ना ये फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन है स्ट्रिंग के लिए है ये जरूरी है आपने ये पढ़ चुके कि इंटीजर डेटा पढ़ना हो तो अपन परसेंट डी लगा के पढ़ते थे करेक्टर डेटा पढ़ना हो तो सी लगा के पढ़ा है ना फ्लो डेटा पढ़ना हो तो एफ लगा के पढ़ा लॉन्ग इंटीजर पढ़ने के लिए अपन ने एल डी का यूज किया तो ये सब क्या है ये फॉर्मेटेड के लिए अपन ये करेक्टर्स यूज करते हैं तो फॉर्मेटेड का क्या मतलब होता है कि रिजल्ट्स को बेस्ट वे में प्रेजेंट करें तो स्पेस चाहिए कोई तो भी राउंड वैल्यू में जैसे फ्लॉट वैल्यू है रियल वैल्यू है तो उसको राउंड ऑफ करें तो अपन को फॉर्मेटेड करेक्टर्स की हेल्प लेनी होती है तो स्ट्रिंग को तब भी तब भी है मतलब जब भी अपन पढ़े तब अपन को है ना परसेंट एस फॉर्मेटेड करेक्टर्स की हेल्प लेनी होगी तो इसके ना पढ़ेंगे तो अपन इस करेक्टर के थ्रू परसेंट एज के थ्रू पढ़ेंगे तो सबसे पहले स्क्रीन का डिक्लेरेशन कर दिया ये परसेंट एज का होता है स्ट्रिंग डेटा के लिए आएगा डबल कोर्स में और ये स्ट्रिंग वेरिएबल है परसेंट साइन की जरूरत नहीं होती स्ट्रिंग में कभी भी अपन एंड नहीं लगाते नॉट यूज एंड है ना विद स्ट्रिंग वेरिएबल तो स्केन एफ के थ्रू बिल्कुल एक सिंगल कैरेक्टर पढ़ेगा इसकेन एफ में जैसे ही वाइट स्पेसेज कैरेक्टर है स्पेस दे देंगे टेप दे देंगे एंटर प्रेस कर देंगे तो ये इसकी रीडिंग खत्म हो जाएगी तो इसके नफ का क्या मतलब हुआ कि एक ही सिंगल कैरेक्टर ही पढ़ पाएगा जैसे स्पेस दोगे टेब दे दोगे है ना एंटर प्रेस कर दोगे तो इसके नफ की रीडिंग खत्म हो जाएगी एक करेक्टर ही पढ़ पाएगा तो ये इसके नफ है ना बहुत इंपॉर्टेंट वो हो जाता है फंक्शन तो इसमें इसके नफ में अपन को एंड का एम्परसन लगाने की जरूरत नहीं होती इसको अपन नहीं लगाएंगे अपन और अपन चाहें तो अपन कि इनपुट में कितने कैरेक्टर्स पढ़े जैसे मैं कहूँगी राजस्थान है तो ओनली आर ए जे को पढ़ना है अपन को तो अपन है ना रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं करेक्टर को तो अपन है ना इसकी विर्थ को यहाँ पे सेट कर सकते हैं तो विर्थ को सेट करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग में डब्ल्यू एस हो जाएगा तो का मतलब या व्थ हो जाएगी इंटीजर में होगी जितने कैरेक्टर है उसके इक्वल या उससे ग्रेटर होनी चाहिए ये तो अगर अपन इसके इसके नफ में एक फील्ड को अगर स्पेसिफाई करनी है वर्थ को उतने ही करेक्टर ये रीड करेगा बाकी ये सब जो एक्स्ट्रा करेक्टर है उसको इग्नोर कर देगा तो जैसे मैंने यहाँ पे परसेंट फोर एस लगा दिया तो देट मीन्स हुआ कि ये ओनली फोर कैरेक्टर पड़ेगा यहाँ पे ओनली फोर करेक्टर्स ना ये जो भी स्ट्रिंग होगी जो भी अपन ने मैसेज देंगे और वो ही अपन को अलाउ करेगा वेरिएबल में अपन चाहेंगे पूरी की पूरी लाइन पढ़ना चाहें स्कैन के थ्रू तो स्कैन के थ्रू अगर पूरी लाइन पढ़ना चाहें तो सी लैंग्वेज में एक स्पेशल अपने पास एक, ए, 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 एक करेक्टर अवेलेबल है जिसको अपन बोलेंगे एडिट सेट कन्वर्जन कोड एडिट सेट कन्वर्जन कोड ध्यान देने का पॉइंट है ये तो इसको फिलहाल अपन यूज कम करते हैं फिर भी अपने पास फेसिलिटीज है कि अपन अगर एंटायर लाइन को पढ़ें इसमें वाई टी स्पेसेज को भी इंक्लूड कर लें एंट्री से टर्मिनेट करें पूरी एंटायर लाइन पढ़नी है तो अपने पास एडिट सेट कन्वर्जन कोड है तो कैसे पढ़ेंगे पहले डिक्लेरेशन किया तो परसेंट ये वाला जो कोड है ना ये ध्यान देने का पॉइंट है ये वाला इसको अपन बोलते हैं एडिट सेट कन्वर्जन कोड पूरी एंटायर लाइन पढ़नी हो तो इस कोड के थ्रू पढ़ सकते हैं कैसे पढ़ते हैं तो ये बेक्सलेस एन पे इसको टर्मिनेट किया अपन ने कैरेट का सिंबल्स लगा के बेक्सलेस ए नहीं परसेंट लगा के और स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया और लाइन जैसे लाइन को पढ़ा उतना ही प्रिंट उसको प्रिंट कर देगा तो परसेंटेज का स्ट्रिंग हो गया एक सिंगल एंटिटी हो जाती है सिंगल आइटम हो जाता है पूरे के पूरे करेक्टर का पेक हो जाएगा डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा तो अपन ऐसे कर सकते हैं गेट एस के थ्रू भी अपन पढ़ सकते हैं अब तुमको नफ से क्या डिसएडवांटेज था इसके नफ का लिमिटेशन थी कि सिंगल वर्ड ही अलाउ करेगा गेटेज से क्या बेनिफिट होगा कि ये अनफॉर्मेटेड है इसमें फॉर्मेटेड अपन फॉर्मेटिंग अलाउ नहीं कर सकते तो गेटेज के थ्रू अपन क्या करेंगे एक मल्टीपल वर्ड को पढ़ सकते हैं मल्टीपल वर्ड का क्या मतलब स्पेस को ले लेगा टेप को ले लेगा ले गेटेज का टर्मिनेशन कब होगा जब एंटर दे देंगे तो एंटर देते ही गेटेज की रीडिंग खत्म हो जाती है तो गेटेज सबसे अच्छा है कि इसमें एक वर्ड को भी पढ़ सकते हैं अपन दो वर्ड को भी ले सकते हैं एक लाइन में मल्टीपल वर्ड को भी पढ़ सकते हैं पूरी एंटायर लाइन एट्टी वन करेक्टर तक की पढ़ सकते हैं एंटर की देते ही टर्मिनेट हो जाएगा टर्मिनेट के बाद में नल करेक्टर अपने आप सप्लाई हो जाती है इसमें तो पहले स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन करो फिर गेटेस्ट है सिंपल है कोई फॉर्मेटिंग नहीं है गेटेस्ट और स्ट्रिंग एक सिंगल आर्ग्यूमेंट आएगा ब्रेकिट लिखोगे सेमिकोलन लिखोगे तो सबसे अच्छा फंक्शन सर गेटेस पूरी गेट मतलब प्राप्त करो एस मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग को कीबोर्ड से पढ़ लो पढ़ने में सिंगल वर्ड मल्टीपल वर्ड

बेक्सले से इनसे करें या और अदर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर से करे तो टर्मिनेट कर देंगे फिर नल कैरेक्टर की सप्लाई दे देंगे पर तो गेट गेट कैरेक्टर क्या करता है एक सिंगल कैरेक्टर को पढ़ेगा टर्मिनल यानी कीबोर्ड से फिर अपन रिपीटेडली अपन पढ़ते जाएंगे और एरे में इसको अलाउ करते जाएंगे अपन है ना एल एरे के अंदर प्लेस रखते जाएंगे अपन तो टर्मिनेट टर्मिने करेंगे एंटर की से और एंटर की से टर्मिनेट होने के बाद में अपन नल करेक्टर की सप्लाई दे देंगे बेक्सलेस जीरो ये एंड कर देंगे इसका अब कैसे करेंगे जैसे एक एरे बना ली इसका क्या मतलब होगा कि ये लाइन बन गई कितने करेक्टर की बनी है ऐसे बन गई है ना ये आपके एटी करेक्टर एटी ब्लॉक हो गई है अब एटी ब्लॉक में ये जीरो हो जाएगा वन हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो एटी ब्लॉक हो गया तो ना अब ये इंडेक्स ये जीरो हो गया तो आई बराबर जीरो ले लिया है अब मैं इस खाने पर हूँ तो ये इसमें वैल्यू लेके आओ तो यहाँ से यहाँ से चला ये गेट के एक करेक्टर पढ़ा फिर यहाँ पे मैंने पुट कर दिया फिर ये आई प्लस प्लस के बाद फिर सेकेंड करेक्टर पड़ेगा है ना ऐसे मतलब एक एक करेक्ट करेक्टर पड़ता जाएगा एरे में प्लेस रखता जाएगा अब जब अपना ये एंटर की दे दूंगा कब तक चलेगा ये एक लूप चला दिया यहाँ लिखा हुआ ना रिपीटेडली तो रिपीटे, रिपीटेशन के लिए अपन ने डू और वाइल लूप लगा दिया तो डू वाइल क्या करेगा इस चक्कर में तब तक घूमता रहेगा जब तक एंटर नहीं होगा एंटर देने का मतलब था कि एंटर देते ही ये कंडीशन खत्म हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी ये कहता है ना कि सी एच के अंदर सी एच यहाँ से मिला सी एच में नल करेक्टर नहीं होना चाहिए नहीं नल करेक्टर नहीं है तो इसमें ये करता रहेगा एरे में ये फिल करता रहेगा ये ए, एरे में फिल कर रहा है करेक्टर को एरे में फिल कर रहा है और ये जैसे ये ना टर्मिनेट होगा तो लास्ट ये एंड होगा ये नल करेक्टर की सप्लाई दे दी पन्ने बेक्सलेस जीरो कर नहीं यहाँ पे नल करेक्टर आएगा ना नल करेक्टर की सप्लाई दे, दे देंगे यहाँ पे तो यह नल करेक्टर को एड कर कर दिया नल करेक्टर

बिल्कुल ईजी है नेक्स्ट क्लास में अपन स्ट्रिंग के बेसिक ऑपरेशन स्ट्रिंग को अपन कैसे हैंडल करें तो हैंडल करने के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है उसकी स्टडी करेंगे और फिर अपन है ना कुछ सेलेक्टेड प्रोग्राम्स लेके उन फंक्शंस को अपन इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपनी नेक्स्ट क्लास जब पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में है ना आप क्या क्या पढ़ोगे स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस एक बार तो ये याद कर लो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस अब स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस में यानी कि स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करें स्ट्रिंग को कभी भी अपन डायरेक्ट है ना कॉपी भी नहीं कर सकते स्ट्रिंग डेटा को अपन वेरिएबल में नहीं डाल सकते डायरेक्ट स्ट्रिंग को डायरेक्ट कंपेरिजन भी नहीं कर सकते कि दो स्ट्रिंग वैल्यू है इस जयपुर है अजमेर है करो तो डायरेक्ट करोगे तो एरर आएगी तो स्ट्रिंग में अपन है ना कैसे काम करें तो स्ट्रिंग में काम करेंगे तो फंक्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी अब फंक्शंस क्या है या स्मॉल लॉजिक है कोई स्पेसिफिक जॉब करेगा अब जॉब करना हो मैं कहता हूँ कि स्ट्रिंग कितनी बड़ी है प्रत्येक करेक्टर की काउंटिंग करके दिखा दो तो ये फंक्शंस लेंगे पर एस टी आर एल ई एन ये फंक्शंस हो गया फिर मैं कहूँगी स्ट्रिंग को कॉपी करो तो स्ट्रिंग सी पी वाई ये फंक्शंस हो गया फिर मैं कहूँगी स्ट्रिंग को कंपेरिजन कर दो तो एस टी आर सी एम पी ये फंक्शंस हो गया अना मैं कहता हूँ स्ट्रिंग को जोड़ दो कि एक स्ट्रिंग के अंत में दूसरा करेक्टर को जोड़ दो तो स्ट्रिंग केट कौन केटे नेट केट का मतलब होता है कौन केटे नेट का शॉर्ट फॉर्म हो गया स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में बना दो तो एस टी आर यू पी आर हो गया स्ट्रिंग को छोटे अक्षर में कन्वर्ट कर दो एस टी आर एल डब्ल्यू आर हो गया तो ये है ना मेन फंक्शंस हो जाते हैं अपने पास ये वाले तो ये सिक्स फंक्शंस है इन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे फिर ये फंक्शंस क्या है एक लॉजिक है प्री डिफाइन एक स्मॉल लॉजिक है एक स्पेसिफिक जॉब करेगा तो अलग अलग जॉब है अब तुम कहोगे इसकी कोडिंग कहाँ पे लिखी हुई है तो इसकी कोडिंग लिखी हुई है तो एक लाइब्रेरी फाइल का नाम हो जाएगा तो ये भी याद हो गया आपको स्ट्रिंग डॉट एच ये ये वाली फ़ाइल होगी अपन इसको अपन है ना कैसे अलाउ करें अपने कोडिंग में तो फिर हेस इंक्लूड करके अपन इसको अलाउ करेंगे तो ये है ना कोई ज़्यादा टफ नहीं तो ये क्या हो गया ये लिंक लिंक हो जाएगा ये करने से क्या फ़ायदा होगा कि ये फंक्शन है ना इस लाइब्रेरी से डायरेक्ट चल जाएंगे तो अगर ये ये फाइल को अपन इग्नोर कर दें तो ये फंक्शन की पहचान नहीं होगी तो प्रोटो टाइपिंग एरर आ जाएगी तो अपन इन फंक्शंस के सिंटेक्स देखेंगे ये इन फंक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं तो ये अपने आप में है ना अदर लैंग्वेज में जाओगे तो ये स्ट्रिंग के मेथड है जावा में जाओगे तो स्ट्रिंग का अपने आप में बहुत सारे मेथड है पाइथन पढ़ोगे स्ट्रिंग मेथड है तो स्ट्रिंग है ना कि ये प्रोग्रामिंग का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो इसको तो आपको से पढ़ना ही है एक क्वेश्चन स्ट्रिंग का हंड्रेड परसेंट परीक्षा में आता है तो आज की क्लास को अपन यहीं पर एंड करेंगे ठीक है थैंक यू